वाह 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 वाह, गुड मॉर्निंग, गुड आ गई मॉर्निंग हमारी, मॉर्निंग, गुड ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सैटरडे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर मॉर्निंग वेकिंग अप बेटा, सो गुड अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड एंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम आप ऐसे ही सोते हो और उठते हो इतने तैयार शैयार होके, आपका मैं सीधे हेयर स्टाइल बेड से उठ देखो के आई कम हियर है? लिटरली. अब मैं सीधे बेड से उठ के देन आई डू ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई कम हियर. सिर्फ जैकेट या वो स्वेटर या जो भी पहनती हूँ बस उतना बीच में पहनती हूँ. सो आई हाँ हैव नो मेकअप एंड माय वही तो कह रही हूँ, आप ऐसे फर्स्ट क्लास फिनिश जैसे बस अभी फोटो के लिए आए हो स्टूडियो में मैम हमेशा तैयार आई रहते आई हैं. ऑलवेज लाफ अबाउट समथिंग दैट सौम्या जब पहली बार मुझसे मिली व्हेन आई वेंट टू पुणे एंड शी यू नो बोलती है मुझे ना, मतलब पूरा बैठ बैठ गए. वी वर सिटिंग एट अ कैफे एंड देन शी आस्किंग मी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, पूछनी है. मैंने कहा पूछो. वो आपके बाल ऐसे, मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि मे बी कोई बहुत मैनिफेस्टेशन वाली कोई चीज पूछनी है कि मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है, तो ये पूछ रही थी कि नहीं, देर आर नो फिल्टर्स इन माई लाइफ, जैसे है ना मेरे फोन पे कोई फिल्टर है ना घर में है, जैसे मैं घर में नजर आती हूँ वैसे आपको नजर आती हूँ. सो दैट इज हाउ इट अमेजिंग इज एंड वेल एंड मैम, एवरी वन ऑन द बॉन्ड यूट्यूब वेलकम एंड थैंक यू बॉन्ड फॉर भी बींग वाओ. कंसिस्टेंट. हमको कल पता लगा जब मैं पहली बार यूट्यूब पे गई, ऑफकोर्स प्रिया जाती रहती है, एंड देर आई केम टू नो दैट देर आर सो मेनी पीपल वॉचिंग यू नो, और हमारे आवर्स इतने सारे हैं, वॉच आवर्स एंड यू नो, सो दैट मीन्स दैट वी आर मेकिंग अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स एंड विच इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. और हाँ मैम मैम नाइट में सोते वक्त यूट्यूब पे देखते हैं आपका सेशन ऑलमोस्ट सब लोग रात में. रियली हाँ अच्छा यस है, सोने के पहले सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट हो जाएगा ना. और यस मैम, भारती अगर आप कभी स्टेशन्ड बीच हो तो मुझे आपको आज को-होस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ 6:40 तक सेशन ले रही हूँ. उसके बाद प्रिया लेंगी तो प्रिया को-होस्ट वाला काम नहीं कर पाएंगी बिकॉज शी विल बी स्पीकिंग एंड आई थिंक पूनम इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड, शी इज कनेक्टेड बट शी विल बी ऑक्यूपाइड. सो मैं आपको बना सकती हूँ आज को-होस्ट. आई विल ज्वाइन फ्रॉम द सिस्टम, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. नहीं, सिक्स फोर्टी तक अभी नहीं, टाइम है, यू सिक्स डोंट नीड टू फोर्टी ज्वाइन फ्रॉम द सिस्टम भारती. मोबाइल से भी ओके को-होस्ट का हो जाता है. या ओके ओके ठीक है. तो आई डोंट नीड टू ज्वाइन फ्रॉम द सिस्टम, मोबाइल से भी आराम से हो व्हाइल जाता शी है. मस्ट आल्सो बी टेलिंग कि जस्ट इन केस प्रिया का नेटवर्क कुछ ऐसे होता है देन भारती कैन टेक ओवर, उस हिसाब से आई श्योर, थिंक एंड मैम स्क्रीन आई एम शेयरिंग ऑल्सो ऑप्शन देयर, अच्छा आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, नॉट अ थिंग टू वरी, आई एम मोबाइल ऑल्सो देयर, मतलब ओनली. मेरा भी होता रहेगा, बीच बीच में आई एम गेटिंग रेडी तो हो जाएगा आराम से. ओके ठीक मैम, है ओके. ओके, सो वील स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक द मैजिक नेवर एंड्स. ये कंक्लूडिंग चैप्टर्स हैं जो रोंडा बर्न ने समझाया है कि मैजिक कभी भी खत्म होता नहीं है. कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब हमें लगा कि बस हो गया मेरा ग्रेटिट्यूड और अब मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि हमारे डिजायर्स हमेशा एक्सपैंड एंड ग्रो होते रहते हैं. आज कुछ है तो और ज्यादा हो जाएगा, जब ये लिमिट आ जाती है तो नेक्स्ट लिमिट खुल जाती है. और हमको अब हमने इन सिस्टम्स को थोड़ा सा हैक कर लिया है, मतलब हमको समझ आ गया है लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होती है, हमको ये पता है कि ये सब एनर्जी का खेल होता है, हमको ये पता है कि हम कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं और हम खुद एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी हैं. तो इस तरह से सो द मैजिक नेवर एंड्स, इसमें इमेज हम देख लेते हैं. सो इसमें गैलेक्सी बनी हुई है ऑफकोर्स विच इज लाइक इन्फिनिट, सो देर इज नो लिमिट, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ऊपर जिंदगी में जा सकते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि बहुत हो गया यू नो. सो दिस इज वॉट इट इज. और मिस्टर साई प्रसाद विल बी रीडिंग फॉर अस. यस सर प्लीज स्टार्ट रीडिंग. गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, एवरीवन. योर वन वॉइस इज वेरी लो. आई एम माई सेकेंड, वॉल्यूम ऑन द सिस्टम और इज इट नो, माई इज इट वॉल्यूम इज ओके, मैक्सिमम. इज ही इट ओके रीड्स नाउ, वेरी ब्यूटिफुली. इज हाँ ही इट, डज. इज इट ओके नाउ. या सर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच. द मैजिक नेवर एंड्स. I practice gratitude every day of my life
And it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in the same way every day, in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully. And if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. You know, if a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. Quote, I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life, unquote. Oprah Winfrey, born 1954, media personality and businesswoman. Through the practice of gratitude, you're using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Yeah, so it talks about that, matlab going forward, gratitude se hum koi bhi darwaza khol sakte hain, koi window khol sakte hain, kisi bhi possibility ko hum happen kara sakte hain, because magic kabhi end hona nahi chahiye, you know, lekin ho jata hai, agar momentum lost ho jata hai to. So this is very important. Kabhi bhi aap notice karna that even for 3 days, if you miss the session, है ना, और YouTube पे भी नहीं सुन पाते हैं, अपने आप दोबारा से हम किस्मत के भरोसे चले जाते हैं दैट दिस इज द डेस्टिनी एंड दिस इज हु वी आर एंड यू नो ये तो है ही है, कैसे क्या करें समझ में नहीं आता, वी वेरी इजीली डिप डाउन. ये चीज मैंने शुरू से देखी है, तो अगर 2 दिन 3 दिन भी अगर मोमेंटम खत्म हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है दोबारा से उठने में, बिकॉज एक्चुअली अभी तक भी ग्रैटिट्यूड पैटर्न की तरह नहीं हुआ है. कल भी आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग माई जिंजर वाटर, एकदम से मुझे बहुत ठंड लग रही थी ऑफिस में, तो द ऑफिस बॉय केम विद अ वेरी हॉट पाइपिंग, खूब अदरक को उसने काट के उसका पानी बनाया हुआ था, तो मैं वो पी रही थी, मुझे लगा इससे गर्मी आ जाएगी. आई फॉरगॉट, आई डिड नॉट से थैंक यू फॉर इट. आई मीन लाइक उस वक्त कहते हैं ना मैजिक इन्ग्रीडियंट्स होता है कि जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हो, कुछ खाते हो या पीते हो, तो उसको सैचुरेट कर दो थैंक यू से, दैट थैंक यू मेरी हेल्थ को इतना अच्छा करने के लिए, थैंक यू मेरे सारे बॉडी के सेल्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, थैंक यू टू ऑल माई ऑर्गन्स, या जो भी चीज़ हम वाटर को बोलते हैं, बिकॉज हमको ये तो पता है कि वाटर इज 100% मेमोरी, और जो चीज़ हम पानी को बोलते हैं वो एक्चुलाइज हो जाती है. ऐसे ही तो मैंने अपना चश्मा उतरवाया था, मतलब पानी को बोल बोल के करीब, मतलब आई टुक ऑलमोस्ट अबाउट 1 year and 3 months or समथिंग, ये कह कह के कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट विजन, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट विजन. मैं जब भी पानी पीती थी, स्पेशली जो पहला पानी मैं सुबह सबसे पहले जो निकाल के यू नो थोड़ा सा गर्म करके पीती हूँ, तो मैं उसको जरूर बोलती थी थैंक यू फॉर माई परफेक्ट विजन. मैं सब कुछ बहुत आराम से देख पाती हूँ, छोटे छोटे अक्षर मैं आराम से पढ़ पाती हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो माई विजन इज सो परफेक्ट. सो ये कह कह के आई यू नो माई स्पेक्स वेंट ऑफ आफ्टर अबाउट अ ईयर एंड 3 months or समथिंग लाइक दैट. और ये पता है हमको मैजिक इंग्रेडिएंट्स की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, तो मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमने देखे हैं, यूट्यूब पे सुने हैं, जिसमें हमने देखा है यू नो डॉक्टर मसारो अमेटो ने जो राइस एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उन्होंने कुक्ड राइस के पानी, अब वो राइस था जिसमें पानी था क्योंकि वो पक चुका था राइस, तो उस राइस को बोल बोल के, मतलब 3 jars ऑफ राइस लिए, जिसमें एक पे लिखा लव, एक पे लिखा हेट, एक पे लिखा न्यूट्रल, तो वो जो लव वाला था वो
21 डेज तक वो खराब नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैव अ फाउल स्मेल, और जिसको लव मतलब जो हेट था उसमें पूरी फंगस लग गई थी विद इन 3 to 4 डेज, मतलब वो काला काला होने लग गया था. सो इससे पता लगता है कि सिर्फ सॉलिड में ना खाने में कितनी पावर होती है और खाना कितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तो आप जिस एनर्जी से खाना खा रहे हो वो दैट बिकम्स यू, है ना. सो ये कर करके वो पूरा किया था, लेकिन उन सब के बावजूद मैं कल भूल गई थी और मैंने फटाफट आराम से और बहुत सिप करके, क्योंकि वो बहुत ही, इट वॉज पाइपिंग हॉट वाटर, इट वॉज स्टीमिंग हॉट, सो ऑब्वियसली टाइम लगा उसको पीने में, मतलब बहुत देर तक, करीब 20 मिनट्स तक मैं वो पानी सिप कर रही थी. इट वॉज अ लार्ज मग, बट आई डिड नॉट से थैंक यू, आई फॉरगॉट. इसका मतलब है कि इतने टाइम से ग्रैटिट्यूड करने के बाद भी ग्रैटिट्यूड हैज नॉट बिकम अ पैटर्न इन माई सबकॉन्शियस माइंड, नहीं तो मैं भूलती नहीं ना. So that is, we are in a journey. Everything is about a process. There is never an end result. Fun is always in the journey. Fun is never in the destination. Kyunki destination tak pahunchte pahunchte aap ek dusre insaan ban chuke hote ho. You know, you have that richness of goodness in your heart. You start speaking differently. You start thinking differently. Hai na, jab tak destination aati hai. But process mein, sara jo hamara diamond hai, jo mind se nikla tha, theek hai, wo pura polish ho ke, by the time destination pahunchti hai, wo waisi chamak jata hai. Because universe ka ye niyam hai. That universe does not really come and give us, you know, something, jab tak hamari wo aadat polish nahi hogi. You know, jaise agar humko anger bahut zyada aata hai, gussa bahut zyada aata hai, chhoti-chhoti cheezon pe hum gussa करने लग जाते हैं, तो यूनिवर्स हमको सारे वो सर्कमस्टेंसेस देगा टोक पीट के, यू नो, कि वो एंगर हमारी जिंदगी से निकले. तो हमारे पास सारे वो लोग आएंगे जो हमको एंगर दिलाएंगे और हमको ये अंदर से अवेयरनेस आएगी कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो धीरे धीरे हम एक डिफरेंट पर्सन बनते जाएंगे, अच्छे इंसान, यू नो, दैट इज हु वी बिकम इवेंचुअली. एंड नाउ दैट डोर विल ओपन जो हमारा डिजायर था. सो इसीलिए जो अंदर से जो पॉलिशिंग होती है हमारी, ये यूनिवर्स का काम होता है जब भी हैंड ओवर करने के लिए. इसीलिए कई चीज़ हमको बहुत जल्दी नहीं मिलती हैं, क्योंकि देर इज स्टिल समथिंग जो हमारी लाइफ में पॉलिश होनी बची हुई है. सो इसीलिए मैजिक जो है ये कभी खत्म तो होगा नहीं, ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है एंड इट विल जस्ट गो ऑन डिपेंडिंग अपॉन हम किस लेवल तक ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं या हमारा हार्ट किस तरह से कितना बदल चुका है, यू नो. सो रोंडा बर्न इसमें अपने बारे में बोल रही हैं. सो मैजिक नेवर एंड्स वो उनके लिए बोल रही हैं, और उनके लिए वो तभी बोलती हैं जब वो हमको कुछ सिखाना चाहती हैं. हर चैप्टर में उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए, यू नो, जैसे किस तरह उनकी बेटी का वॉलेट खो गया था तो बेटी ने क्या किया, या फिर वो जब अमेरिका मूव हुई तो उनके पास रहने को एक बहुत छोटा सा घर था, लाइक 1 बेडरूम सेट था, तो उनके पास सिर्फ 4 प्लेट, 4 फोर्क, 4 नाइफ और यही सब थी, और उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन वो बहुत ग्रेटफुल थी कि चलो मैं पैदल चल के टैक्सी स्टैंड तक जा पाती हूँ, वहां से मुझे टैक्सी मिल जाती है. फिर इस तरह से उन्होंने, उनके सारे एक्सपीरियंसेस हमको कुछ सिखाने के लिए होते हैं. तो ये वाला जो है, ये टॉपिक, ये हमको सिखाने के लिए है दैट वो क्या करती थी. तो उन्होंने लिखा है दैट मैं अपनी जिंदगी में हर एक चीज में रोजमर्रा में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, और अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उस पावर के बिना रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी, मेरा सब कुछ, यू नो, इट फॉल्स इनटू प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो दैट्स व्हाट शी सेज हियर, ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, इट इज इन माई सेल्स एंड इट्स अ पैटर्न इन माई सबकॉन्शियस माइंड. सो हमारा अभी भी नहीं बना है पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में, हम अभी मेकिंग में ही है, है ना. कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जीने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भूलते हैं, लेकिन कभी कभी डिप होते हैं. हमको पता होता है कि अपने आप को कैसे ऊपर लेके आना है. तो हमारा ऑलमोस्ट 60-80% के बीच में वी हैव बिकम व्हाट यूनिवर्स वांट्स अस टू बिकम, बट इट इज अ प्रोसेस एंड इट शुड कंटिन्यू, है ना. कभी ऐसे हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि ओ अब तो मैं, लाइक आई एम ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड. नो, वी आर नॉट. ओके, वी आर नॉट ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, वी आर नॉट ऑलवेज, हम बहुत डिप होते हैं कई बार लाइफ में. सो बट देन शी सेज दैट कंसिस्टेंसी जरूरी होती है. सो बिकॉज इसमें लिखा हुआ है, बट इफ यू गेट कॉट अप इन लाइफ एंड फॉरगेट टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द मैजिक विल इवेपोरेट. बिकॉज फिर हम भूलने लग जाते हैं, फिर हमको कहाँ याद आता है मैग्निफिसेंट आउटकम और यू नो ये कर लो और वो कर लो. So it is what, like Deepak has been doing gratitude with me from day one. As I told you that pehle jab humne ye Zoom call shuru ki thi May 2020 mein, to
दीपक मेरे साथ, दीपक माय हस्बैंड, सो हम इकट्ठे ही, हम चार ही लोग थे. आई वाज टेकिंग द क्लासेस लाइक दिस, सो आई हैड सुनीता प्रधान, आई हैड दीपक एंड आई हैड प्रीति माय सिस्टर इन लॉ. बस हम चार ही थे और कुछ टाइम तक हम चार ही लोग थे, बट मैं इतने ही जेस्ट से तब भी सेशंस लेती थी. मतलब इसमें कोई वो नहीं था कि देर आर जस्ट थ्री पीपल, एंड पूरा वही 1 1.25 घंटे का हम सेशन करते थे और पढ़ते थे. ये पढ़ते थे और सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, जो हमारे ग्रुप का नाम है बेंटिनो मेसारो की, वो बुक पढ़ते थे. तब भी हम दो ही किताबें पढ़ते थे. सो ये हुआ, वो पहले दिन से कर रहे थे, बट अभी भी 3 दिन पहले मुझको बोलते हैं कि यू नो लाइक सो ही डिजाइन्स कमर्शियल किचन्स एज अ सोर्स ऑफ लिविंग. ओके, लाइक उनका बिजनेस है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, एंड वो कमर्शियल किचन डिजाइन करते हैं, 5 स्टार्स एंड फाइन डाइनिंग एंड ऑल दैट. सो वो कर रहे थे तो बता रहे थे ऐसे बैठ के कि आई एम सो बैडली स्टक, यू नो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं, मतलब वो एक इतनी ह्यूज किचन है, इतने बड़े होटल की, मैं कैसे डिजाइन करूँ ये वो, मतलब सब कुछ. वो कह रहे हैं कि आई एम सो स्टक, मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल वो हो गया. सो ये उनको ऑटो कैट पे डिजाइन करना होता है ना अपने लैपटॉप पे. वो कहते कि आई एम जस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है. और वो वाली भी, उसमें भी ऐसा हो रहा था. मैंने कहा व्हाई डोंट यू डू मैग्निफिसेंट आउटकम एंड स्टार्ट डिजाइनिंग, सो दैट मींस ही स्टिल फॉरगेटिंग ऑल दैट, यू नो. सो आई सेड दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट डिजाइनिंग अ किचन एंड इफ इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड और इट्स अ वेरी बिग होटल और समथिंग, देन ऑलवेज डू मैग्निफिसेंट आउटकम, दैट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग डिजाइन दैट आई हैव मेड टूडे विद सो मच ईज. You know, then you will not get boggled and then you'll not think even system खत्म करके फिर मैं घर आ गया. You know, he was like कि फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद किया and then I came, तो समझ नहीं आ रहा था कि हेडवे कहाँ से होगा. सो इस तरह से अभी भी इसका मतलब पैटर्न नहीं बना है ना. कल मैंने भी जो पिया तो मेरा भी पैटर्न नहीं बना है अभी भी. अभी भी मतलब उस तरह से 100% नहीं होता. कभी कभी एकदम से बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लिया या कुछ बातें करते करते खाना खा लिया, अभी भी उसमें मैजिक डस्ट ऑफ थैंक यू ग्रेटिट्यूड नहीं होता है. देर आर टाइम्स जब वो मिस हो जाता है, लेकिन हमको उस लेवल तक लाना है. तभी तो हम मैजिक बुक का साथ नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी, बिकॉज ये छूट गया तो फिर इवेपरेट हो जाता है. सो मेनी पीपल हु डोंट, उनको लगता है कि मैजिक बुक क्या करना, अब तो काफी आ गया. नहीं, अभी पता नहीं हमको कितना आया है. एंड बट वी हैव टू रीच दैट लेवल वेयर वी रिमेंबर दैट ओके आई हैव टू गो समवेयर, तो मैं मैग्निफिसेंट आउटकम करके निकलती हूँ. या यू नो लाइक टू डू लिस्ट रोज की बनाना, हैव अ मैजिकल डे शावर में, आप नहाते नहाते मैं हैव अ मैजिकल डे कर सकते हैं, है ना, कि मतलब पहले से ही थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था. सो जो चैप्टर नंबर 14 है, ड्रीम्स एंड डिजायर्स को जब खाली हो, थोड़ा टाइम मिल रहा है 5 मिनट का 10 मिनट का, तो अपनी जो 10 की गोल लिस्ट है उनको निकाल के, उनको देख के पढ़ के बस थैंक यू बोल देना. मत विजुलाइज करो, बट उनको देख के पढ़ के थैंक यू बोलना. तो वो जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो सबकॉन्शियस माइंड में सीमेंट होती जाएंगी और होती जाएंगी होती जाएंगी. और एक एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो सॉलिडिफाई हो गई, 10 की 10 जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी विशेज हैं, कुड बी आर ड्रीम्स, बहुत ही बड़ी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि यू नो हो सकती हैं, वो सॉलिडिफाई होती रहेंगी. जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार सॉलिडिफाई होती रहेंगी. एंड दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज वॉट रॉन्डा बर्न सेज, दैट उनके साथ तो ऐसा हो गया है. और फिर उसके बाद कहती हैं कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं मेरी किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में, जैसे हेल्थ में चैलेंज आया, तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है ना. वो कहती है इंक्रीज द मैजिकल प्रैक्टिस इन दैट एरिया. अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, दो लोग हैं रिलेशनशिप में, दोनों के बारे में आप लिखो, 5 5 पॉइंट लिखो, ठीक है, दोनों के बारे में. अगर टूटा हुआ रिश्ता है, अगर टूट गया है, इफ यू हैड अ स्क्वाबल विद दैट पर्सन एंड देयर कॉन्स्टेंट फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वारल्स गोइंग ऑन, देन सारे के सारे, मतलब वो हील माई रिलेशनशिप, 10 पॉइंट लिखने होंगे. और दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज वॉट शी इज सेइंग, दैट हमको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमको करना क्या है ना. छोटे छोटे बच्चे, छोटे सेशंस, मतलब जो छोटे बच्चे हैं हमारे फ्यूचर में, वो भी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनको कोई हाथ भी नहीं पकड़ता. उनको बस यू नो शाम के वो सेशंस अटेंड करते हैं, उनको पता होता है. मैंने मीना की डॉटर का देखा था एक बार, वो इतना शनाया जो है छोटी वाली, तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो चुपचाप अपनी डायरी निकाल के 20 उन्होंने लिखे, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, 20 बार ये लिखा. और फिर उसके बाद वो सो गई और सुबह वो बिल्कुल ठीक उठी और सुबह यू नो एक्सपीरियंस शेयर किया कि देखो कल रात को मेरी तबीयत इतनी खराब थी, पता नहीं था स्कूल जा पाएंगी कि नहीं, और फिर उन्होंने 20 ये लिखे. है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, तो कितनी अच्छी बात है कि बस एक सिंपल लाइन, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, बिकॉज ईजी डज इट. हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े हो गए ना अब, तो हमारा दिमाग ज्यादा चलता है,
तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोचने की कोशिश करते हैं, वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है. अफर्मेशन क्या, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ. अब यूनिवर्स के पास सिग्नल चला गया, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ. अपने अंदर घुस गया सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड रहती है, तो अब सबकॉन्शियस में चला गया. सुपर कॉन्शियस नहीं तो ये दुनिया चलाता है ना, जिनको हम गॉड बोलते हैं, जो जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर तो आत्मा ही है ना, बॉडी के अंदर तो आत्मा ही है, तो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है. आप आत्मा में बार बार एक ही चीज सॉलिडिफाई कर रहे हो, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ. 17 सेकेंड से लेके 68 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक वो मोमेंटम सेट हो गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. अब जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जिनको हम गॉड बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि 2 मिनट तक या कितने 10 मिनट लगेंगे आई थिंक 20 बार लिखने में, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ. अब वो एक्टिवेट हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हेल्थ तो ठीक होनी है, ऑप्शन ही नहीं है यूनिवर्स के पास, है ना, बिकॉज मोमेंटम ये सेट कर लिया. तो इस लेवल ऑफ प्रैक्टिस हमको ये आना है, सिंपल. एंड देन एज रोंडा बर्न बोलती है कि लाइक अ पफ ऑफ स्मोक डिसअपियर हो जाता है सब कुछ. ये ओपरा विनफ्रे का सेंटेंस है, वो तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहती है. ओपरा विनफ्रे को तो हर चीज के लिए थैंक यू ही होता है. उनका इंटरव्यू पढ़ा, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट दैट पर्सन केम. आई एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यू नो टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे न्यूज रीडिंग में जाना था, उनसे मुझे पता लगा कि वो मेरा पर्पस नहीं था. फिर मैंने वहां से स्ट्रगल, लेकिन उसमें मैं बहुत ग्रो हुई. मुझे पता लगा कि पीपल हु सपोर्टेड मी, इस तरह से हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल ही होती है. तो दिस इज वॉट शी सेज हियर, दैट मैं जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड करती गई करती गई करती गई, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स, मनी, वो सब मेरी जिंदगी में आने लगा. और मैं फिर भी ग्रेटफुल थी उनके लिए भी, एंड आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल नो मैटर वॉट हैपेंड इन माई लाइफ. तो उनकी लाइफ में बहुत सेटबैक्स हुए, ऐसा नहीं था कि उनको मतलब बहुत ईजी जर्नी थी. उनको बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनको पुल डाउन करने की कोशिश की, उनके शो बैन कर दिए. यू नो जब वो कला पपल मूवी कर रही थी तो उनको रिहैब में जाना पड़ा, ठीक है. वो वहां पे जब रिहैब में थी सिटी से दूर, वहां उनका फोन आया था, क्योंकि उन्होंने एक दिन उनको आया, वो कहती हैं कि मैं इतना ज्यादा, कहते हैं ना व्हाट परसिस्ट रेजिस्ट्स, सो जो चीज आप जिसके पीछे वैसे पड़ जाते हो ना, आ क्यों नहीं रही है, आ क्यों नहीं रही है, हो क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रही है, व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, मनी क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, वो मूवी क्यों नहीं आ रही, मुझ में तो सारी क्वालिटीज है फिर भी मुझे मूवी क्यों नहीं आ रही, इस तरह से वो सोच रही थी. तो जो जिस चीज को आप परसिस्ट करते हो ना, ऐसा थॉट कि पीछे ही पड़ जाते हो, पीछे पड़ जाते हो इन अ नेगेटिव वे बाय द लैक, देन दैट थिंग डजंट, वो रेजिस्ट करती है आपकी जिंदगी में आने से, क्योंकि आपका लैक मेंटेलिटी है कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा. तो उनका ये वाली स्टेज आ गई थी कि वो क्यों नहीं मुझे फोन कर रहे प्रोड्यूसर, मुझको क्यों नहीं ले रहे, मेरा तो सब सेट है, मैंने ऑडिशन क्लियर कर लिया, ये कर लिया. सो उनके पास वो नहीं आई इवेंचुअली. तो उन्होंने वन फाइन डे जब वो रिहाब में ही थी, यू नो लाइक, तो वहां पे उन्होंने सरेंडर किया, एंड शी सेड दैट द चीक्स वर रोलिंग डाउन एंड शी वॉज रनिंग राउंड, बिकॉज वो वहां पे वजन घटाने के लिए गई थी. उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मोटी हुई, इस वजह से मुझे मूवी में रोल नहीं मिल रहे, बट वो एक्चुअली कोई हीरोइन का रोल तो था नहीं. सो एक्चुअली अगर आप कलर पर्पल देखो तो वो रोल बहुत डिफरेंट तरीके का था, और वो वैसा ही था लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप का, जिसमें यू नो शी बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स. सो फाइनली उनको वो जिस दिन उन्होंने ये कहा दैट डियर गॉड आई सरेंडर दिस टू यू, एंड इफ वेदर इट कम्स वेदर इट डजंट कम आई वॉन्ट दिस बट आई सरेंडर इट एंड नाउ आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, और ये कह कह के वो रोती जा रही थी रन करके, क्योंकि रिहैब में वो वेट लॉस के लिए गई थी तो रन कर रही थी. सो रोज उनको रन करना होता था राउंड द गार्डन, यू नो जो लॉन्स थे उनके सामने के. एंड शी सेड दैट द डे आई सरेंडर, उस दिन रात को फोन आ गया कि ओके यू आर कास्टेड फॉर द मूवी काला पर्पल एंड दिस इज यू नो, एंड फाइनली शी गॉट इट एंड शी डिड इट. ओके कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर देखना वो मूवी. सो दैट्स व्हाट इट यू नो रोंडा बर्न सेज दैट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू आर यूजिंग दैट लॉ ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अ गिफ्ट. ये बहुत बड़ी चीज है जो हम अपनी जिंदगी में यूज करके हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं. दिस आई कैन गारंटी टू यू. ओके बिकॉज देयर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नो लाइक आई सी देम अनफोल्ड which is like so amazing, you know, the kind of opportunities. Yesterday was such a fabulous day for me. Matlab bahut conclusive day hota hai na jab aap ghar aate ho aur aapko lagta hai wow, you know, like everything was sorted, every conversation was beautiful, every work was done with ease, jabki complicated work the. Agar main gratitude mein nahi hoti to wo sare kaam bahut challenging wale the. Matlab jab
मेरी बात जो किसी और यूनिवर्सिटी से हुई, यू नो लाइक हम लोग कोलैब में है, लाइक इन माय ऑर्गेनाइजेशन वीएलसीसी इज इन कोलैब विद जैन यूनिवर्सिटी एंड मंगलेतन, सो लगातार यू नो आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर बोथ ऑफ देम, सो इट इज लाइक दैट. सो यू आर ओनली डीलिंग विद अ बिग विग्स, यू नो, इन द इंडस्ट्री हु आर द बेस्ट ऑफ एडुकेटर्स. एंड यू नो कुछ डिसीजंस मेरे दिमाग में थे जो मुझे लग रहा था आई रियली वॉन्ट टू डू इट, यू नो, बट देन आई सेड यूनिवर्स माई इंटेंशन इज दिस दैट आई वॉन्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू डू इट, एंड यू नो लाइक सो दैट पीपल गेट एजुकेटेड एंड एवरीबडी गेट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. You know, like, because getting a postgraduate degree in nutrition and dietetics, I really wanted our students, because some of them are so much into, you know, like, wo meri ek class attend karne ke liye pata nahi kahan kahan se aate hain, jaise main hamare group mein Pavan Kumar ji hain, main kahin pe bhi jaati hu aa jate hain, matlab main fly karke wahan ja rahi hu, wo meri ek din ki class attend karne wahan aa jata hai, yahan pe Delhi mein logon ko nahi aaya jata hai, you know, like, that is the kind. So you know, like, for those kind of students. And we don't have a gender and age, hamare jo education hai, it's very American form of education. So hamare students are 60, 70, 80 years old also. So it is like, you know, still at that age, some people fly down to different cities. I mean, like when I was in Patna, there was someone who had come from Jharkhand. She had delivered a baby a month ago. Imagine. और वो फ्लाई नहीं किया उन्होंने, उन्होंने अपने मतलब इन लॉज को नहीं बोला, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे जाना है, यू नो, लाइक मेरा सिर्फ एक घंटे की क्लास थी वहां पे, एक घंटे का सेशन था, आई मीन इट वाज अ सेमिनार, जस्ट 1 hour 90 minutes इन पटना. उस 90 minutes को अटेंड करने के लिए वो रांची से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के पटना आई, अपने मम्मी पापा को लाना था उनको, क्योंकि उनकी एक महीने की बेटी थी, ठीक है, और वो एक घंटे का सेशन अटेंड करने आई, और जब वो आई तो उनकी बेटी बहुत क्रैंकी हो रही थी, मे बी पूरी रात वो ठीक से ट्रेन में सोई नहीं होगी, क्योंकि वो सुबह सीधे आई यहाँ पे, एंड उसी शाम उनको वापस ट्रेन लेके जाना था. यू नो, इस तरह का प्यार जुनून जो लोगों का है मेरे लिए, सो मुझे हमेशा लगता है कि यू नो यूनिवर्स मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं उस हिसाब से दे पाऊँ वापस लोगों को. यू नो, वो एक घंटे सुनने के लिए आई थी और वो बेटी इतनी क्रैंकी थी तो वो मेरे सेमिनार में नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि करीब 100 लोग थे ऑलरेडी पहले से, और वो बच्चा बेचारी वो रो बेबी रोई जा रही थी, तो उसको लेके वो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन पे बैठी हुई थी. यू नो, फिर जब मैं सेशन लेके बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकती हूँ. मैंने कहा ऑफ कोर्स, लाइक मैं सोचने की क्या बात है. एंड देन शी क्लिक्ड अ पिक्चर एंड देन शी केप्ट सिटिंग देयर ओनली फॉर अ वाइल. फिर वहां पे जो मेरा स्टाफ था उन्होंने मुझे बताया कि ये कहानी है इनकी, कि ये मतलब सिर्फ ये देखने या आपको सुनने और देखने और आपके साथ एक सेल्फी लेने के लिए आई है, और इन्होंने पहले ही बता दिया था एक महीने की बेटी लेके, मतलब उस तरह की फायर किसी में है. तो मुझे ये था दैट यू नो दीज स्टूडेंट्स हैव टू बिकम अ पोस्ट ग्रेजुएट एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड देन यस्टरडे इट वॉज डन डील. इमेजिन, मेरा इतना अच्छा कल दिन था ना, मुझे मजा आ गया. एक तो मेरे एक किताब जो मैं लिख रही थी वो लिखे प्रिंटिंग में कल चली गई, दूसरा ये वाला मास्टर्स प्रोग्राम, यू नो लाइक दिस इज सो अमेजिंग, आई वॉज सो हैप्पी. एंड देन उसके लिए ऑफकोर्स लाइक आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग माई कॉन्टेंट नाउ फॉर द मास्टर्स इन न्यूट्रिशन. सो बट देन यू नो माई कंपनी डूइंग इट एंड इट इज लाइक दैट. तो जब ग्रैटिट्यूड में आप रहते हो तो ये सब होता है, वरना इट इज हार्ड, यू नो, टू बी हैविंग दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स एंड वट एवर इनसाइट्स एंड कंटेंट मेकिंग, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली राइटिंग एंड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, यू नो, दिस इज हाउ इट इज. सो इट सेज दैट इट इज अप टू अस, यू नो, दैट दिस ग्रैटिट्यूड कम्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इन ऑर्डर फॉर यू टू यूज इट एंड एडवांस योर लाइफ. ओके, so I hope we all continue using it to advance our life. That's very very important, because ye magic ki tarah kaam karta hai. Kal main pure time yahi dekh rahi thi ki you know like aise pat 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 cheeze hoti rehti hain jab aap deeply feelingly grateful hote ho. To haan ji, please start reading. The universe and you, there is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it's also below you and behind you and beside you. And it is within every single thing
and every single person. That means the universe is within you. Quote, as below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. Unquote. The Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. When you understand that the universe is within you, and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude. And with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe is within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. So this is actually an explanation Rhonda Byrne has given for people who seek God from outside. So here, what she's trying to say is that God is within. You know, everything is within. Hum agar sochte hain ki kya, you know, universe ya infinite intelligence ya subconscious mind koi ek solid matter hai jo hamare sharir ke andar hai. It is not one solid matter. Infinite intelligence is within every cell of our body. You know, मतलब जिस तरह से हमारी एनर्जी ट्रांसमिट होती है उससे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट हो सकता है. अगर हम अपने डीएनए को खोल ले, मतलब हम सबके सेल के अंदर डीएनए होता है जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल होता है. अगर हम उसको खोलें, चार बार वो अर्थ से सन, सन से अर्थ तक जा सकता है. वो इतना लंबा होता है. सो वी डोंट नो द मिरेकल्स ऑफ हाउ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स. यू नो, एक दिन में हम कितने हजारों प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर बनते हैं. ये सब कैसे? ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस की वजह से होता है. जैसे अगर एक कट भी लगता है हमको, वैसे ही इतनी सारे एक्शंस होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जहां पे कट लगा है जिस एरिया पे, स्किन के ऊपर, वहां पे यू नो बहुत सारे WBCs पहुंचते हैं. फिर वहां पे उसकी जो मतलब वो ब्लड वेसल की वॉल थोड़ी सी लूज हो जाती है, खुल जाती है, जिससे WBCs जाके उसको किल करते हैं, जो भी वायरस या बैक्टीरिया आया है उस कट के थ्रू. यू नो, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाती है चोट, फिर उसको हील करती है. जब तक वो हीलिंग का प्रोसेस चलता है, तब तक उस जगह पे इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग रहती है. स्वेलिंग रहती है क्योंकि बॉडी एक वाटर बॉडी बना देती है उस बैक्टीरिया के आसपास, ताकि वो बैक्टीरिया बाकी के ब्लड के पार्टिकल से मिक्स ना हो और बॉडी के अंदर ना आए, इसलिए वो स्वेलिंग होती है. फिर वो स्वेलिंग फाइनली जब वो किल कर, जब हमारा जो एंटीबॉडीज या जो भी किल कर देती है उस बैक्टीरिया को, तो स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है. क्या हमको पता है ये सब हो रहा है? हमें अभी पता है कि हमारे अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया है, वो ठीक हो रहा है? हम तो मस्ती से घूमते रहते हैं ना, हमको कुछ, यू नो, वी आर एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ. बट एवरी डे देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज जो किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए बन रही है. ये सब इन्फिनिट इंटेलिजेंस का काम है. दैट वी कॉल एज गॉड. So God is within us. Emerald tablet पे ये लिखा हुआ है. So above, so without, so below, so you know, like, so this is, that means भगवान ऊपर है, नीचे देखो भगवान नीचे, अगर सामने देखो तो भगवान सामने, पीछे देखो भगवान पीछे है. So it is not that भगवान कहीं ऊपर ही है या कहीं है. God is within us. Okay, so we have that power that we think that only God has. We think, no, that only God has that power. No, we have the same power. तो इसीलिए अपने ऊपर वर्क करना is something जो अपने आप environment में वर्क कराएगा. So एक बुद्धिज्म में concept होता है ईशो फोनी.
You know, it's called oneness of self and environment. So, ishofoni is a Japanese word. So, oneness of self and environment, aap jaise apne aap ko polish karte jaoge, waise hi aapka environment polish hota jayega. Theek hai? Because all in one and one is all. God is one, one is God. You know, this is what. So, all of us are one. Whatever is my energy, I will see in the other person. If I'm not liking something about the other person, I need to polish my that perception of liking, not liking. That means that mere andar ek daag dhappa laga hua hai, jo mujhe safai karne ki zarurat hai. अगर मैं किसी पर्सन से बहुत गुस्सा कर रही हूँ तो वो गुस्से का पर्सपेक्टिव है. रिएक्ट तो मैं कर रही हूँ ना. वो पर्सन तो ठीक है, चार लोगों के लिए तो वो तो नहीं गुस्सा हो रहे. उस पर्टिकुलर पर्सन से मैं गुस्सा हो रही हूँ ना, तो मुझे अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है. दाग मेरे पर्सपेक्टिव में है, जो जिस शीशे के थ्रू मैं देख रही हूँ वहां पे दाग है, तो वो मेरा शीशा है, मेरे दिमाग का. तो मुझे अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है. दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड वर्क्स एट दैट लेवल. यू नो, जब वो सारे दाग धब्बे हमारी जिंदगी के हटाता है, क्लियरिंग करता है, एंड क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, पॉलिशिंग, सो दैट वी बिकम दैट शाइनिंग डायमंड्स एंड देन वी कैन मेक एनीथिंग हैपन. सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड यू नो टीचिंग्स फ्रॉम रोंडा बर्न दैट आई रियली लव. The one that said that you will become a channel of blessings for people, you will start attracting opportunities, you know, like all of that, that happens. So this is how it is. So more genuine gratitude when you feel towards the universe. Aap relationship universe ke saath itni close knit ho jati hai that आपको हंचेस इंस्पिरेशंस आने लग जाते हैं. आपको पता लग जाता है दैट यू नो लाइक ये रीजन है जिसकी वजह से ये चीज मेरी जिंदगी में नहीं आ रही है. सो इस तरह की चीजें एंड देन स्लोली स्लोली यू नो इतनी क्लोज नेट रिलेशनशिप हो जाती है क्योंकि आप सीख नहीं कर रहे हो गॉड को बाहर से. यू नो वाइल एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं पे भी जाने से पीस मिलता है, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, या कहीं पे भी जाने, गुरुद्वारे जाने से पीस तो मिलेगा ही, है ना. सो बिकॉज ऑरा वैसा होता है, वहां का एनर्जी लेवल देखे तो वो एक्चुअली एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई ऑफ ऑल द रिलीजियस प्लेसेस दैट पीपल गो टू. बट टू सीक गॉड ना जाए, यू नो गॉड इज विद इन अस, देयर इज नो अदर वे. अगर घर में आके कर्मास, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में अगर कहीं पे गड़बड़ है तो किसी भी मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, पॉलिशिंग वो है, है ना. गुरुद्वारे में जाते तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो टीचिंग्स हैं उनको इंटरनलाइज करो. ठीक है, वो टीचिंग्स हमको बहुत अच्छे से यूट्यूब पे मिल जाएंगी, या फिर अगर गीता में लिखा हुआ है कोई चीजें उनको एक्शन पॉइंट में डालने की जरूरत है. ठीक है, सिर्फ जाके बेगर्स की तरह भगवान के सामने जाके ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है, और फिर घर आके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में कहीं कहीं गड़बड़ है, उसका फायदा क्या है, है ना. So this is what it is, that it is an internal relationship that we have with a God, because God is within us. आप अंदर ही अपने मन से, अंतर आत्मा से, मतलब जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो I always say कि ठीक है, you know, भगवान, जब मैंने अब पूरे दिन भर खूब सारा काम किया, मैं आई, मैं ऑफिस गई, ये किया, चलो अब मैं 10 मिनट, 15 मिनट मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगी. ठीक है, एंड इट इज नॉट बातें करना, इट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स, यू नो, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर क्वाइट, यू आर टेलिंग योर माइंड टू बी क्वाइट एंड यू जस्ट रिसीव एंड एब्जॉर्ब. एंड जितना शांत आप 10-15 मिनट के लिए उस दौरान हो सकते हैं, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, उतना ज्यादा आप रिसीव करोगे और वो अपने आप ऑटोमेटेड आपको यू नो लाइक कोई बोर्ड नजर आ जाएगा, कोई कैप्शन आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई टीवी पे एकदम से किसी की आवाज आएगी और आपके कान में पड़ेगी. आप पूरा प्रोग्राम नहीं सुन रहे थे लेकिन वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको सुनाई पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू अस ऑल द टाइम. या सो दैट्स एंड दिस विल स्टार्ट गिविंग अस अनलिमिटेड अबंडेंस. अनलिमिटेड अबंडेंस मीन्स अपॉर्चुनिटीज, आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे. तो वो इंसान थोड़ी बदला है, वो इंसान अभी भी वही है, लेकिन हम बदल गए ना. वो ईशोफोनी, वननेस ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट. सो आप बदले हो ना, आप बदले हो तो अपने आप एनवायरनमेंट बदलने लग गया है.
ठीक है, आपने सोचा है, आपने पैसे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, अपने आप पैसा अब आपके जिंदगी में आने का रास्ता ढूंढना ढूंढने लग जाएगा और रास्ते बनाता है. इट विल कार्व अ पाथ फॉर अस एंड मल्टीपल ऑफ देम, सो यू विल स्टार्ट रिसीविंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यू नो, बिकॉज वो रास्ते बनने लग गए क्योंकि आप पैसे को इतना अप्रिशिएट, इतना लव दे रहे हो, इतना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में आप चुंबक बन जाओगे पैसे के. आप लोगों को प्यार दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, रोज आप मैजिक डस्ट करते हो अलग अलग लोगों को, यू विल बिकम अ चुंबक ऑफ अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव एंड अमेजिंग रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ. और जिन लोगों से आपकी खिटपिट खिटपिट चलती रहती थी, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता सुंदर होने लग जाएगा. ठीक है, जितना आप लोगों को ब्लेस कर रहे हो, आप देखोगे उस तरह की एनर्जी जब निकल रही है ब्लेसिंग की, आपकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, है ना. बिकॉज हेल्थ में भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को जब हम होल्ड ऑन टू करके रखते हैं, उसके कारण हेल्थ खराब होती है. विथ ऑल इमोशनल हेल्थ ऑलवेज ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल हेल्थ. सो इमोशनली व्हेन यू लिव इन ग्रैटिट्यूड एंड यू नो लाइक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एनी मोर, दैट लोगों के बारे में बुरा सोचना, इनफैक्ट किसी ने बुरा किया है तो उसको भी हम थैंक यू लिखते हैं, तो उस तरह से इमोशनल लेवल पे सबलिमली ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाती है, जिसके कारण आप एनवायरमेंट में डिफरेंस देखना शुरू करोगे और आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ सब सुंदर हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू नो लाइक लाइफ गोज ऑन. So this is what I wanted to read for you, that you will become a friend to the universe, you know, क्योंकि आपको पता है that universe, देखो फिर से ऐसे किया ना, अब चलो फटाफट इसको transform कर दो. So मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं universe को हमेशा बोलती हूँ कि please अब मेरी मम्मी को बहुत अच्छी हेल्थ में रखना, क्योंकि मैं इस धरती पे बहुत बड़े काम करने आई हूँ, तो मुझे उन काम के लिए बहुत मेंटल पीस चाहिए होगा. मेरी मम्मी को आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा और वो भी इंजॉय करें अपनी हेल्थ, है ना, इस तरह से. सो अब बात कर सकते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चीज करनी है, मुझे जेन्युइनली लोगों को बहुत पढ़ाना लिखाना है, उनको अच्छी नॉलेज देनी है, तो मुझे इस लायक बनाओ कि मैं बहुत अच्छी किताबें लिख पाऊं जिससे कि लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिले और सब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, है ना. जब मैंने ये कहा, अपने आप रास्ता खुला ना, अपने आप माय बॉस कॉल्ड अप एंड सेड दैट व्हाई डोंट यू टॉक टू द हेड ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड स्टार्ट साइन सील डन, इट वाज ओवर. क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा था. तो इसीलिए जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, अपने आप हाउ यूनिवर्स लाके कर देते हैं, मतलब हमको सोचना नहीं पड़ता. तो अपने वाई पे, वाई डू यू वांट अ फन डे, बिकॉज आपको इंजॉय करना है. बहुत बड़ा वाई होता है ये कि मुझे इंजॉय करना है, मुझे ये काम करने में बड़ा मजा आता है, आई वांट टू डू दिस. सो अपने आप हाउ विल फॉल इन टू प्लेस. सो दैट इज वॉट इट इज. सो इट सेज दैट यू नो द वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू एंड देर विल बी नथिंग यू कैनॉट बी हैव और डू, एंड दिस इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स. एक सेकेंड, थोड़ा घड़ी पे ध्यान रखना है. सो ग्रेटिट्यूड इज द आंसर कर लेते हैं एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन रीड दिस स्मॉल टॉपिक. हां जी, ग्रेटिट्यूड इज द आंसर. ग्रेटिट्यूड इज द क्योर फॉर ब्रोकन और डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, फॉर लैक ऑफ हेल्थ और मनी एंड फॉर अनहैप्पीनेस. ग्रेटिट्यूड एलिमिनेट्स फियर, वरी, ग्रीफ एंड डिप्रेशन एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस, क्लैरिटी, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientists Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life-altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich,
would cause illnesses and diseases to drastically drop, business and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. Thank you so much, sir. Thank you so much for reading so beautiful. You indeed read really well, as Sarita ji said. Thank you so much. Thank you very much. Over to you, Priya. Priya, do you want me to make you the host? It's okay, ma'am. It will be done, ma'am. You will manage. Like screen sharing, you will be able to do. Is the same thing open on your screen? Then I exit from here and I'm connecting through my phone. Okay, ma'am. No issue. Ma'am, if you exit, then someone else will become the host. So please make Priya only the host. हाँ वो ही मुझे लग रहा है कि वो नहीं हो वो कोई मतलब anyone becomes the host, you know, जो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको स्क्रीन शेयर में. मैं आपको बना देती हूँ. मैम ठीक है. थैंक यू पूनम मैम. यू कैन मेक मी co-host आल्सो. हाँ या आई एम डूइंग बोथ. नो बट प्रिया विल हैव टू मेक यू द वेट. मैं पहले आपको बना देती हूँ. सॉरी गाइस फॉर दिस टेक्निकल लॉजिस्टिक्स. पहले भारती बिकम्स द co-host. And then Priya becomes the host, and I'm connecting through my phone. Yeah, all done. Okay, ma'am. I need to open the book, you know. I haven't. Acha, no problems. I haven't. So in the meanwhile, you can. हाँ खुल गया I think वो हो रहा है. Yes, ma'am. Gratitude is the answer. So like book नहीं खोल कर ही कर लेते हैं. It'll take time. हाँ नहीं नहीं आप खोलो. आप खोलो तब तक मैं manage कर लेती हूँ. आप खोलो आराम से. Take your time. So gratitude is the answer वाला जो topic है इसमें लिखा हुआ है that you know, कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो प्रॉब्लम हो चैलेंज है या आपको कहीं फंसा हुआ लग रहा है. आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का रूल है मेरे ऊपर इम्पोज हो रहा है. मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा. मेरा प्रमोशन नहीं हुआ. मेरा ये नहीं हुआ. वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरा वाला जो था वो बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी. सपोज आपकी किसी से बनती नहीं है ऑफिस में. ठीक है उसका अप्रेजल हो गया और उसका 20% सैलरी हाइक हुआ एंड आपका नहीं हुआ जबकि आपको पता है आप बहुत मेहनत करते थे. ठीक है लेकिन प्लीज एक्सेप्टेड ग्रेसफुली बिकॉज जिस पर्सन के जिंदगी में बहुत पैसे आ रहे हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है पैसे के साथ. उसने हमेशा अप्रिशिएट किया है. उसने हमेशा वो उस फ्रीक्वेंसी में रहा है यू नो विच इज द मनी फ्रीक्वेंसी. इस वजह से उसके पास पैसा आ रहा है. ठीक है चाहे उसकी कोई हरकत आपको अच्छी नहीं लग रही हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट यू नो मनी और सक्सेस और गुड हेल्थ विल नॉट कम टू समवन जब तक उसकी उस लेवल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला. मैंने कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि नहीं मुझे नहीं मिलता मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट दैट आई एम ग्रीडी. लेकिन उसको मिला और मुझे नहीं मिला मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है. यू नो अगर ऐसा वाला है इसका मतलब है कि आप जेलस भी हो रहे हो साथ साथ और एनवी की फीलिंग है अंदर है ना. हमारे मन एनवी की फीलिंग जो आपके पास है ना वो भी सारा हटा लेगी. आपके पास हेल्थ है वो भी चली जाएगी. पैसा है जितना भी वो भी चला जाएगा बिकॉज एनवी और जेलसी की जो फीलिंग आती है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है. और उस फ्रीक्वेंसी में एनवी और जेलसी की फ्रीक्वेंसी में सारी वो चीजें होती हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते अपनी जिंदगी में. एंड दैट इज हाउ इट इज. इसीलिए खोलो ना प्रिया. मैम खोल लिया. स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा. इट्स ओपन द बुक इज ओपन. वी आर नॉट सीइंग इट. वी आर सीइंग योर फोल्डर. या द स्क्रीन इट्स नॉट कमिंग ऑन द स्क्रीन. शेयर स्क्रीन आप टाइप करो ना. शेयर स्क्रीन कर दो. स्टॉप शेयरिंग एंड देन रीशेयर इट विल बी विद यू. ओके
सो दिस इज व्हाट इट इज. तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कोई चीज आपके पास उस हिसाब से नहीं आ रही है जैसे आपने मांगा था, लाइक यू वांट अ लॉट ऑफ मनी, यू वांट लाइक एन अमेजिंग हेल्थ, यू वांट यू नो द करियर टू फ्लरिश एंड थ्राइव, यू वांट योर बिजनेस टू थ्राइव एंड फ्लरिश, यू वांट सम अपॉर्चुनिटी, अभी आपका बिजनेस नहीं बहुत ज्यादा चल रहा बट यू वांट लाइक एटलीस्ट 100 क्लाइंट्स एवरी मंथ, सो द वे टू डू दैट इज ग्रेटिट्यूड. इमीडिएटली बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, यू नो, फॉल बैक, लीन ऑन ग्रेटिट्यूड. थैंक. और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड. तो पहले पास्ट में अगर 10 आपके कस्टमर्स भी आए ना बिजनेस में, तो उनको थैंक यू पहले करके, उसके बाद फ्यूचर में जो जो आपको चाहिए, सब फ्यूचर में चाहिए कि 100 कस्टमर्स हर महीने आए. थैंक यू यूनिवर्स फॉर पोरिंग कस्टमर्स ऑन मी. थैंक यू सो मच दैट माई कस्टमर्स आर सो सो हैप्पी, यू नो, विथ माई वर्क, विथ माई सर्विसेज. Thank you, universe, that my work is thriving and flourishing. Thank you, universe, that I've received an award for the best entrepreneur. Thank you so much that I'm getting an opportunity to serve and establish amazing relationships with my customers. Thank you, universe, that now I'm able to do all the things that I have always dreamt to do. Thank you so much that I'm bringing in such an amazing prosperity and quality of life for my family and friends. Thank you so much that I'm really enjoying the best of health. Thank you so much that, you know, now I can afford buying the new house that I always wanted to, or maybe renovate the house that I always wanted to. So this is what you have to keep. So agar business bhi badhana hai, kaam badhana hai, to uske liye thank you likhna padega, because this topic ka naam hai gratitude is the answer. So jo sawal man mein chal raha ho ki main isko kaise aage, main health kaise achhi karu, main prosperity kaise karu, main naya ghar kaise khareedu, you know, main matlab jo bhi cheez, main world travel kaise karu, mere paas itne paise aaye that I can go to any country, you know, and I don't have to think twice about it. Gratitude is the answer. Okay, yeah, yes, Priya, you can take over. So I'll log out now. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. As ma'am told, that gratitude is actually the answer to each and every question that we have. Be it a challenge in any of the realm of your life, be it a health challenge, be it a successful, like you want a successful career, or you want even for the kids of yours, like you want your kids to flourish and all. So for every question, the answer is gratitude. We just have to, like, we have already shared the practices that we can do. So those practices can be done in order to achieve anything and everything. It's so easy and effortless. Actually, we have to follow the subject that we are reading right now to the, like, we have to bring it to our practices. Then only it will make difference. This Newton or Einstein ke baare mein we have studied that they used to follow these practices, the gratitude, into their code. हमेशा जितने भी न्यूटन के जो लॉज हैं उनके बाद जो लिखा होता था, ही ऑलवेज यूज टू से दैट आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स. अगर किसी ने पहले से ही एटम का डिस्कवरी नहीं किया होता, देन आइंस्टीन वुडंट बी एबल टू गिव द ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला थ्योरी, नहीं कर सकते थे. सो एवरी वन इज पहले लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, उसके बाद वी आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर डिस्कवरी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. If you have something in your life, then it has been given to you by any other person, because we are all connected. This is all interconnected. So if we think in this manner also, na, just ma'am ne bhi bataya ki if we believe on the oneness of the universe, if we believe on the oneness of the entire cosmos, then it will be very easy and effortless for all of us to follow that, to practice this code. We have to do that. Agar koi insaan aapke saath kuch kharab bhi karta, just think that he is a part of you only. We bhi insaan jo hai, you and me, we have our own entities, but at the end of the day, we are all one. So is tarah se kisi bhi tarah ke problem ko, life mein koi bhi challenge aaye, usko solve karna is actually easy and effortless by following these gratitude practices. So what Rondabhan says ki agar Newton aur Einstein ki tarah sare ke sare jo scientists hain, agar they follow the gratitude to their core. See, the difference between the science and the spirituality is wide. It's huge. Science believes, like, if we entirely believe on science, na, then we will behave like animals only, right? But we, and the other thing, like, because we'll take the things as robots, we'll be robots, like, entirely you'll follow. Just suppose you have this, a male and female is there, right? So if we entirely believe on science and everything, then we won't go, like, the vision will be so broad that we will not look into the different diversities of life. Hum logon ko nahi pata chalega ki hamare relations ke bare mein nahi pata chalega. We will not, like, if a male and female is there,
we can think of entire possibilities of forming a relationship between both the tools, right? If we entirely believe on the science, but we have this spirituality in ourselves, we believe that that person is my mom or my dad, my brother, my sister, like that. We do not involve in those practices. This is the science perspective. And what spirituality says, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी हम लोग एंटायरली बिलीव करते हैं सो विल गेट इन टू द सुपर नेचुरल पावर्स एंड वो वाला जो हमारे सुपरस्टिशन में हम लोग फॉल कर जाते हैं सो व्हाट रोंडा वन इज डन इज कि ग्रैटिट्यूड के जरिए वो हम लोगों को एक मध्यम रास्ता बता रही है कि दिस कैन बी फॉलोड इन ऑर्डर टू इन द साइंटिफिक अप्रोच ऑल्सो एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो देयर बिकॉज वी आर बिलीविंग ऑन द वननेस ऑफ द यूनिवर्स सो रोंडा वन सेज कि अगर हम लोग इस चीज को इस तरह से एंटायरली फॉलो करते हैं सो इट वोंट मेक एनी जस्ट अ मोमेंट सो वी विल नॉट बी लाइक ट्राई लाइक कभी भी स्टक नहीं होंगे लाइफ में कभी स्टक हुआ विल कम टू नो दैट दिस प्रैक्टिस हैज टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू गेट दिस सो इस तरह से रोंडा बर्न्स इज दिस हम लोगों को अपनी लाइफ में रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा जैसे मैम ने अभी बताया कि व्हेनेवर वी गेट स्टक वी हैव टू नो व्हाइल ईटिंग समथिंग वी हैव टू नो दैट दिस वी हैव टू डू वी हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टू द फार्मर हु हैज ग्रोन द व्हीट ऑन हिज फील्ड्स who has been continuously waking up in the dark nights and the cold winters also. Ab gehu hai. Gehu to humare winters mein yahan par, jo northern part of India hai, wahan par zyada hota hai. So whenever I fetch milk from a dairy farm, to unko jab main bolti hu na ki bahut thand hai, wo pata hai kya bolte hain? Wo kehte hain, thand to bahut achhi baat hai beta, thand to honi chahiye. Agar thand achhi nahi hogi to gehu ki fasal pakegi nahi. Gehu ki fasal pakegi nahi to aapki plate mein jo rotiyan aati wo nahi aayengi. So, while having those the bite of chapati that you are having, you just think that farmer has toiled so much. Kitna thand mein jaake apne kheton mein pani diya hoga, tab jaake wo roti aapke paas aayi hai. So we have to bring gratitude to our core. Whenever you are this, main abhi aapko Einstein ke baare mein bataya, ya fir maan lijiye hum log Newton ke baare mein padhte hain. Why I am able to tell you this? Because bachpan mein maine ye sab padha tha. So a teacher has made me study all these things. So I have to be grateful for the teacher. जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑल दोस बुक्स दैट आई हैव स्टडीड इन ऑर्डर टू गेट एक्वायर्ड दिस नॉलेज आई एक्वायर्ड दिस नॉलेज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज राइट सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू दोस रिसोर्सेज सो इट्स द सेम वे व्हेनेवर यू आर फेसिंग अ हेल्थ चैलेंज देन वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर आवर हेल्थ नाउ अगर हमारे जैसे मान लो पहले का जमाना था जब मेडिकल साइंस इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था देन पीपल वुड डाई ऑफ मेनी डिजीजेस हमको पता नहीं था कि क्या चीज था क्या चीज करना था बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेडिकल साइंस के प्रति भी थैंकफुल नहीं होते हैं कि बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस ओनली ना द ह्यूमन एज जो है वो और भी ज्यादा वास्ट होता जा रहा है वी आर लिविंग अप टू 80 90 100 एंड 100 इयर्स मतलब 115 20 तक भी जीते हैं हम आराम से सो ऑल लाइज विद इन द ग्रेटिट्यूड ओनली आप लोग बहुत ही अगर माइन्यूटली सोचोगे ना कि एंटायर कॉस्मोस का जो वो भी कम पड़ जाएगा जहां पर हम लोगों को ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है सो बाय दिस वी If we want to lead the world, then we have to bring gratitude practices into the core of our life, in each and every field of our life. That's what Rhonda Byrne wants to say. So gratitude is the answer for anything and everything. So this revolution has to be made today only. Aaj se hi, abhi se hi karna padega. So this is the thing. This is all from this book. Now we'll go to the next book. Just a moment. I'll bring that book. So the second book that we study is Hero by Rhonda Byrne again. So Hero. Madam, I've got just one point. Madam, yeah, please. There is only one page left in this last chapter of this book. It will be read tomorrow then? Yes, sir. This will be read tomorrow. Actually, we have a ritual to go through all both the books, and that's why. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks to everyone. Thank you so much, sir. So, yeah. So here we are studying about the heroes. Unka we are studying their take that how they have led their life, how they have built a $1 billion empire for themselves. They have created that using the tools, and the tools are being discussed by these heroes, right? So we have to start from Michael Acton Smith. So Dr. Neha Chaudhary will be reading for us today. Yes, Neha ji. Yes. Good morning, everyone, and good morning, Priya ma'am. I am from Pune. So this is my first time I am reading this book. Yes, you are debutant. I was reading this. Yeah. Please go on. Just 1 minute. Michael Acton Smith. I work with huge supporting networks,
everyone from my family who has supported me, to investors who put money into the business, to employees who came to work for me, even when ideas were just a sketch on the napkin. Yes. Here we are reading about the various naysayers and allies. Jo heroes hain, they are discussing about their quest. What is the quest now? Quest is something. Quest is you want to achieve something. You want to, you have a goal in your life. Ek goal hai aapka life ka. That may sound, abhi ke liye, you may feel that wo wala jo goal hai, wo achievable nahi hai. Aisa hai. Toh naysayers aayenge, aapko rokenge, aapko tokenge. At the same time, allies will also be there. Allies होंगे वो allies के बारे में अभी हम ये बता रहे हैं Michael Acton Smith कि जो allies होते हैं वो क्या करते हैं हमारे life में allies will always support you in your business whatever Michael Smith says कि जब उन्होंने अपना practice करते हैं जो भी अपना business करते हैं he is into forming the वो बच्चों वाले games video games वगैरह बनाना and all he's a billionaire in that so he says even the kid who is playing my sport That particular kid is an ally for me. So if I have a communication company agar meri hai, aur jaise maan lijiye Jio hai, Jio Networks hai, wo ek gaon ka bachcha bhi jo phone ko aaj istemal kar raha hai, to then that person is also an ally. So we have to believe on our allies and chahe wo, jaise wo sketch on the napkin bolte hai na, kai baar jaise businessmen hote hai, unko jo hunches aate hai, ya intuitions ya ideas aate hai na, तो जब भी मीटिंग में होता है कई बार उनको पेपर भी नहीं होता तो दे विल राइट ऑन द नैपकिंस इसलिए वो बोल रहे हैं कि एवरीवन फ्रॉम माय फैमिली जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया हमारी जर्नी में सपोर्ट किया एवरी वन ऑफ अस इज एन अलाय अब हमारे मान लीजिए यहाँ ग्रेटिट्यूड की जर्नी में जो भी पर्सन हमारे साथ शेयरिंग करता है कोई भी तरह का शेयरिंग करता है इफ एनी ऑफ द शेयरिंग फ्रॉम एनी ऑफ अस is helping us in our endeavors, then that particular person is also an ally for us. Right? Jitne bhi persons hai, aapko kuch bhi chahiye, kisi ke hum log kai bar share karte na, ki unki sharing mein ye suna tha, jiske karan maine ye practice kari, aur is practice karne se mujhe ye fayda hua. So that person is an ally. So we have to concentrate and look into our allies and overlook what the people, the naysayers are saying. अगर हम लोग नए सेल्स की बातें सुनते रहेंगे तो हम लोग लाइफ में अचीव कर ही नहीं पाएंगे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वी बिलीव एंड वी थिंक अपॉन द थिंग्स दैट व्हेनेवर यू वी गेट डाउन ना हम लोग कभी भी फॉल कर जाते हैं आवर अलाइज आर ऑलवेज देयर टू लिफ्ट अस अप आप ये सोचोगे कभी भी परेशान होते हो कभी कुछ होता है ना नहीं मान लीजिए जा पाई तो इनको ये लगेगा कि वो पर्सन जो मेरे वहां पर वेटिंग में बैठे हुए हैं दे हैव कम इन ऑर्डर टू सीक समथिंग दे हैव कम इन ऑर्डर टू सीक देयर मेडिकल अटेंशन और जो भी है तो शील गो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो एन अलाय फॉर हर राइट सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अलायंस तभी ये बोल रहे हैं माइकल एक्टन स्मिथ कि लाइफ में नए अलायंस जो है सारे के सारे आएंगे बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अलायंस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वर्क इंट्रिकेटली फॉर दैम राइट जब एक पेन भी है आपकी जर्नी में अगर वो पेन से आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना तो वो पेन भी आपका अलाय है तो इस तरह से गोज लाइक दिस हाँ सो यस विल रीड अबाउट छोटा सा चैप्टर बचा है पार्ट पर तो इसको कंप्लीट ही कर लेता है आई नो इट्स टू But let's read this also. Yes, Neha. Lynn Beachley, setting an auspicious goal to become a world champion as an 8-year-old was obviously very challenging. And there were times when I wanted to quit and I wanted to walk away and put my hands in the air and say, this is all just too hard. Fortunately, I had individuals in my life at those poignant times who picked me up and went, you can do this, I believe in you. And when someone who you respect and appreciate in your life tells you that they believe in you, instills so much belief in you, it's really important that you have those people in your life. During the making of the secret film, there were an
endless number of people who came into our lives and helped us with the next step we needed to take. In addition to all those allies, I had a team of people who worked with me to create the film. And without their dedication and support, my team, my dream would never have come true. There was a time when I didn't have enough money to pay my team their salaries. I had mortgaged my home to the limit, taken out overdrafts, and maxed out every credit card I had to keep the production of the film going. But I reached this heartbreaking day where I did not have the money to pay my team. Do you know what they did? A couple of my senior team members got together and withdrew cash on their credit cards to pay those who couldn't survive without their salary. Without a doubt, the people in my team were my greatest allies. Yes, so thank you so much, Neha. We'll be able to read this much only. So this concludes our chapter also, actually. So here, Lane Beachley, jo hai, wo ye bol rahi hai, ki humare life mein many a time comes when challenges come, we fall down. Lekin jo aapke allies hai na, they will lift you up. Those allies may be your family. Kitni baar aisa hota hai, jaise ye Lane Beachley hai. She is a bahut badi, wo 7 times world champion reh chuki hai. और एक बार तो मतलब 2003 से लेके 2007 तक तो continuously she was a world champion. So यहाँ पर पहुंचने का मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें ना कि she is a world champion, so it is very easy for her to say this. But everyone has got his challenges. वो dip down करते हैं, वो fall down करते हैं. But to maintain that, you know, consistency in your life, you need to have focus and gratitude for the people who are your allies. That's why we are following these gratitude practices, na. Rhonda Byrne ने जैसे अपनी स्टोरी बाद में बताई है कि सीक्रेट फिल्म जब वो बना रही थी कितने सारे नेसेल्स थे लेकिन उन्होंने उन नेसेल्स को ओवरलुक करके अपने अलायंस के बारे में सोचा जो उनकी पूरी की टीम थी उस टीम के मेंबर्स ने उनको वो पैसे नहीं दे पाए थे हर एंटायर प्रॉपर्टी वॉज मॉर्गेज्ड बट उन्होंने क्या किया वो अलायंस थे ना उनके उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने अपने फंड में से इकट्ठा किया और फिर जो नीडी पर्सन थे उनको पे किया सो दोज आर अलायंस So that is why we are following these gratitude practices also. कि हम लोग हर एक person को जिन्होंने हमें किसी भी तरह से कभी help किया है या कोई ऐसा person जो directly help ना किया हो indirectly अब the secret book है हम लोग पढ़ रहे हैं so we are also an ally to this book. So we have to be thankful for each and every person and we have to overlook the naysayers. हम लोग तो naysayers को भी bless करना सिखा दिया हमें Rhonda Byrne ने है ना तो इसी तरह से क्या करना है ना हमने कि हम लोगों ने इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि whenever we fall down, look into your allies. आप ये सोचो अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अपनी gratitude practices के साथ इसको involve करने की कोशिश करें हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे देखने से बहुत ईजी लगता है कि 28 days है ये तो कर लिएंगे कोई इजी टास्क है कुछ भी नहीं है लेकिन जब हम लोग करने आते हैं ना तो कई बार हमारा मान लीजिए 23rd day का मिस हो जाता है कभी मान लो 10th day का मिस हो गया सो वी डू नॉट हैव टू फॉल डाउन हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा अपने ड्रीम लिस्ट निकाल के देखो चाहिए ये चाहिए जो 10 लिखा हुआ चाहिए ना वो चाहिए तो प्रैक्टिस करो लिखने से होगा प्रैक्टिस करने से होगा घर में चुपचाप बैठने से नहीं होगा हमें अभी नहीं आया अब मैम अगर कहती है शी येट अभी भी उनको ग्रैटिट्यूड को अपने सेल्फ में शामिल करना हुआ है तो वेयर डू वी स्टैंड देन हम लोग को तो इतना बनाए बताया नहीं है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम लोगों को लगता है कि वी नो एवरीथिंग आई नो पीपल जिनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को पता है अभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की करने की क्या जरूरत है या लिखने की क्या जरूरत है नहीं जरूरत है why our life has changed our life has changed just because of these practices then pay gratitude to these practices na then we have to follow these practices so apne allies ke baad suno kabhi mood kharab hota hai man kharab hota hai aapne jo apne goals likhe hue hai na unko nikalo unko dekho talk to the people who are in your circle jo aapke tarah like minded people hain jo aapko aapki journey mein support karte hain session mein aao
जो आप टेस्टिमोनियल्स है लोगों के वो सुनो, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ो. कभी मूड भी खराब लगता है तो आप पूरा का पूरा, अगर मान लो उस टाइम के पूरा चैप्टर पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो लास्ट में जाओ, वीडियो के जो लास्ट पार्ट में जाओ, वहां पर एक्सपीरियंसेस सुनो. एक्सपीरियंसेस को सुन के आपको लगेगा कि दे आर माई अलाइज, दे नो इफ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट. सो हाउ दे अचीव ऑल दोज थिंग्स बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस. हम लोग जब प्रैक्टिसेस करते हैं तब हम लोगों को वो मिलता है. सो वी हैव टू फॉलो व्हाट आर अलाइज से. मेनी अ टाइम्स वी फॉल डाउन, देन अगेन सम अलाइ कम्स, उन्होंने वो बताते हैं कि हाँ भाई ये करने से, मेरा वाटर टेक्निक करने से ना मेरा ये वाला गोल अचीव हुआ. तो ठीक है, हमको पता चला दैट पर्सन इज अ अलाइ. So just like this, every time in our life, we have to identify that who our allies are. So इन्होंने जैसे बताया, लेन बीचली बता रही है कि fortunately I had individuals in my life at those poignant times who picked me up. There are sad moments in our life also. बहुत होते हैं life में, challenges आते हैं. हम लोग में यहाँ पर North India में बहुत ठंड लगती है, सुबह उठने का बिल्कुल नहीं मन करता है. लेकिन वेन यू विल सेट योर प्रायोरिटी ना कि आई हैव टू बी ऑन द सेशन नो मैटर वॉट. सरिता जी कल बता रही थी 3:30 बजे सोई हैं, फिर भी वो 6 बजे सेशन में एकदम अप, एकदम फ्रेश थी. कैसे थी? बिकॉज शी डजंट गिव हर एनी अदर ऑप्शन टू लीव द सेशन, राइट? सो वी हैव टू लुक इन टू द फैक्ट दैट वी हैव टू बी विद आर अलाइज. द मोर टाइम यू स्पेंड विद योर अलाइज, दिस बुक, this again, this book, the hero book, the magic book, these are allies. So the more often the time you give to your allies, your life will flourish. Kitne bhi cheeze hain, hum log inko sunenge, inko practice karenge, tabhi hamari life jo hai wo flourish karegi har tarike se. So is tarah se jab hum log gratitude pay karte hain baaki लोगों को भी जो हमारे इतनी, अब आप अगर आप जैसे हम मैजिक बुक तो अभी शुरू करेंगे ना, तो कल बस कल शुरू हो जाएगी मैजिक बुक पॉसिबली. तो उसमें आप देखना एक्नॉलेजमेंट में रोंडा वर्न ने हर एक पर्सन को, मैंने तो आज तक किसी भी बुक का एक्नॉलेजमेंट इतना बड़ा नहीं देखा. उस दिन मेरा बेटा ना पढ़ रहा था, मैंने उसको बोला था एक बार ना यूट्यूब देखो, तुम यूट्यूब में बुक पढ़ो. तो मैंने उसको बोला तुम डे जीरो से स्टार्ट करो. तो डे जीरो स्टार्ट करो, उसने कहा मम्मा एक्नॉलेजमेंट ही तो है, क्या पढ़ना है. मैंने कहा वही तो देखने की चीज है कि एक्नॉलेजमेंट जरूर पढ़ो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में, इस मैजिक बुक के एक्नॉलेजमेंट में या हीरो बुक के एक्नॉलेजमेंट में, रोंडा वर्न ने जिस खूबसूरती के साथ हर एक पर्सन को विद रीजन थैंक यू बोला है ना, वैसा हमें करने की जरूरत है. सो अगर हम लोगों ने अपना कुछ किया और हमने एक्नॉलेज नहीं किया किसी और ने हमारे लिए कभी कुछ किया हो, इस बुक ने हमारे लिए कुछ किया हो, वी हैव नॉट सेट आवर प्रायोरिटी टू रीड दिस बुक, देन वी विल फॉल बैक. हम लोगों वही पहले वाले रास्ते में चले जाएंगे जिसमें वी विल बी हैंडिंग ओवर आवर रेंज टू अदर पीपल, समवन एल्स विल ड्राइव आवर कार, देन आवर लाइफ विल नॉट फ्लरिश द वे इट डज इट शुड. सो वी हैव टू फॉलो व्हाट आवर अलाइज से. नाउ आवर बिगेस्ट अलाय इज दीप्ति मैम. दीप्ति मैम ऑलवेज टेल्स अस द थिंग्स दैट शी फॉलोज. उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने सीखा, तभी तो वो हमें बता पा रहे हैं ना. बिना सीखे बिना फॉलो करे तो नहीं बता पाते ना वो इस तरह से. तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उनकी बातों में बिलीव करके, उनकी बातों को समझ कर, हमने उसको बस अपने लाइफ में फॉलो करना है. हमें अब ये देखकर ऐसा लगता होगा कि कितना ही ग्लैमरस जॉब है, आप यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो, लेकिन हम लोग क्या समझ पाते हैं कि कितना ज्यादा टफ होता है उनके लिए भी सुबह सुबह आना. हर किसी को ठंड लगती है, आप लेट नाइट भी आ रहे हो, शादी में से भी आके आप जब क्लासेस ले रहे हो, कितना वो टफ होता है कि आपको, लेकिन वो उन्होंने अपने आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, नहीं मुझे करना है तो करना है. सो द सेम वे हम लोगों को हमेशा हमारे अलाइज जो बोले, जब भी फॉल डाउन होते हैं अपने अलाइज के बारे में सोचो कि वो हैं. अब जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, दे कीप ऑन पुशिंग अस कि नहीं ये करना है वो करना है, अच्छा लगता है, हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं. हमारे हस्बैंड मान लीजिए अगर हैं, वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं. तो जो हमारे मोटिवेटर्स हैं, जो हमारे हमारे जो वेल विशर्स हैं, जो हमारे चेयर लीडर्स हैं, वी ऑलवेज शुड थिंक ऑफ देम, वी ऑलवेज शुड thank them, then our life will flourish like never before. तो वही रोंडा बोल रही है कि इस तरीके से जब हम लोग करेंगे ना, तो जैसे इन्होंने ये देखो बता रहे हैं ना, a couple of my senior team members got together and withdrew cash on their credit cards to pay others. जो कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल लोअर वाले स्टाफ होते हैं ना, उन लोगों के लिए, उनके जो लोग जो थे, उनके जो मेंबर्स थे, जो भी स्टाफ मेंबर्स थे जिनको उन्होंने पे ही नहीं कर पाई थी, उन्होंने वो पैसा ड्रॉ करके उनको पे किया. तो दिस काइंड ऑफ अलाय, ये अलाय हम लोग हैं. हम लोग सारे के सारे जो मैजिक बुक को पढ़ रहे हैं अभी के अभी, हम सारे अलायज हैं. हम सारे एक दूसरे का हैंड हेल्ड करके ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना.
सो वॉट दीप्ति मैम सेज या फिर मान रोंडा बन जो बोल रही है, वी हैव टू मेक दोज थिंग्स प्रैक्टिकल, थ्योरी थ्योरी नहीं करनी है. अब हम लोग जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने इंजीनियरिंग भी अगर करी है तो हम लोगों को ना थ्योरी पढ़ाई जाती थी वहां पर प्रैक्टिकल तो हम लोग बाद में आके करते हैं. जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तब आप उसको अप्लाई करते हो. सेम वे ये जो बुक है ये हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट. अप्लाइंग टू आर डेली लाइफ, इनकॉर्पोरेटिंग दिस मैजिक प्रैक्टिसेस इनटू आवर डेली लाइफ इज इंपॉर्टेंट. तभी तो हम लोग चीज को समझ पाएंगे ना, कि वरना ना हमारे पास वो सोचने की मानसिकता ही नहीं होगी. हम लोग कभी भी, मतलब एक्चुअली अगर मैं अपना आपको बताऊं ना, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी लेकिन एक्नॉलेजमेंट्स ना मैं पहले कभी पढ़ती ही नहीं थी. क्या पढ़ना है, आगे बढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो या बुक के पीछे देख लिया बुक की क्या वो है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, मतलब बहुत ही रेयर कभी पढ़ा था. अब पढ़ने लगी हूँ जब से मुझे पता चला है कि नहीं, इतने अच्छे से उन लोगों ने जिसको हेल्प किया इस बुक को लिखने के लिए, जिसने हेल्प किया उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है. हम लोगों को दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया है मैजिक बुक ने. तो हम लोगों इतना बड़ा एलाय है ये हमारा, तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना काम, इसके हिसाब से करना ही चाहिए अगर हम लोगों को सक्सेस चाहिए. सो दिस इज द थिंग दैट रोंडा बन सेज इन दिस पार्ट. उसके बाद अक्कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. अगर हम लोग बात सुनते रहे ना तो फिर तो हमारी इंडिया भी इतना डेमोक्रेसी आ ही नहीं पाती ना. इंडिया में भी जब वो नेताजी भी मिलने गए थे हिटलर से, तो हिटलर ने तो ऐसे कह दिया था कि 150 साल भी अगर इंडिया को दे दो ना ये डेमोक्रेसी नहीं डिजर्व करते. लेकिन आज हम लोग दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. हमारे जो सीईओ, मतलब दुनिया के 500 फॉर्चून कंपनीज में मोर देन हाफ में इंडियन सीईओज हैं. क्यों है, इंडिया में इतना टैलेंट है, सब कुछ है. अगर हम वो नेसेयर्स की बात हम लोग सुनते रहते जो, फिर तो हम लोग नहीं अचीव कर पाते ना. So we have to always think of our allies and move forward and go forward with our gratitude practices and believe in the oneness theory. Oneness theory पे आप believe करोगे ना तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा life में adjust करने का, life में flourish करने का. आपको पता चल जाएगा कि हाँ this is the thing. Money का problem है तो आप money वाले practices करोगे. कोई किसी से कोई grudge हो जाता है, boss के साथ कोई relationship में problem आ जाती है या किसी के साथ भी आ जाता है, हेल्थ का कोई चैलेंज आ जाता है, कुछ भी हो आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे इस चीज के बारे में सोचना. उस चीज को सोचो ही मत ना. जो भी समझाया जाता है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं इकट्ठे बैठ के यहाँ पर, या जो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वी कैन गो थ्रू दिस एक्सपीरियंसेस. उसके बाद ही हमारे लाइफ में जो वो इनकलाब, वो रेवोल्यूशन आएगा ना, तभी आएगा जब विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज प्रैक्टिसेस इनटू आवर लाइफ. कोई घर में आया है, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने रात को मैजिक रॉक जब प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर्सन का नाम लेके उसको थैंक यू किया, और आपको पता है ना जो हमारी एनर्जी थॉट्स एंड वाइब्रेशंस है वो उस इंसान तक पहुंचेगी. किसी ने आपको आपके किया हो, आप अगर आप मन में उसको थैंक यू बोल देते हो, वो यूनिवर्स के खाते में वो चीज लिखी जाती है ऑलवेज. खाली वो करियर वाले प्रैक्टिस में नहीं बैठते वो इनविजिबल मैनेजर, हमेशा द इनविजिबल मैनेजर स्टेज विद यू इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इनविजिबल मैनेजर इज योर यूनिवर्स विच इज नोवेयर एल्स विच इज विद इन अस. तो हम लोग अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं और वो चीज उस बंसत में पहुंच जाती है, क्योंकि हम और वो में तो सेम है, हम लोग तो सेम ही है ना, वी बिलीव इन वन फिलोसफी. सो दिस इज द थिंग. So thank you so much for listening to me, and obviously the session was wonderful. Deepthi ma'am ne itne acche se usko kara. So I was able to take down the points from the first book. Rest to aap logon mein se kisi ne likha hoga to fir hum log usko share karte hain. So thank you so much Dr. Neha for reading so beautifully. We'll be happy to see you more often. Thank you so much. Thank you. Thank you so much Priya ma'am. Yeah, thank you. Priya, ye Lane Beachley ko kya cheez ka wo mila tha? Main to surfer thi. Surfer थी ना. Okay, हाँ, वो सर्फिंग करती थी. हाँ जी, सर्फिंग. थैंक यू. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जाने मानी पर्सनालिटी है वो. या आई नो अबाउट हर, बट ओह वाओ, क्या चीज के लिए शी गॉट इट. थैंक यू. हाँ, सर्फिंग के लिए. यस. हाँ, पल्लवी बोलो. हाय मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अनम्यूट योरसेल्फ. यस यस मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. या आई हैव अ वेरी स्मॉल शेयरिंग मैम. Actually, I don't know, whenever you take class, every time you give me a very, very important and very loving small cues. For example, yesterday, actually, my sister-in-law, Nananti, bete ka wo hai, janeu hai, ceremony hai, we are Brahmin, so we are going to Odisha. So yesterday, she has gone specifically to another stop
for buying a very beautiful Sambalpuri sari for me. I have told her that she told I'll transfer money. I don't know how your choice and how you will like it. So you buy accordingly. So I said, no, I want it from you. You buy the Sambalpuri sari for me and I don't want money. So she specifically went to Bhubaneswar, the capital of Odisha, to buy the sari only for me. I said, aap log ab gaye ho to aap logon ka bhi le lo. Nahi, wo that we will buy later on. Aaj sirf main aapke liye aayi hu. And she did me the video call from the shop. Sare sari wo shopkeeper ko bol bol ke khol khol ke sabko dikhaya. From that I chose a very nice beautiful grey and blue color combination sari. रात को सोने के टाइम मैं सोच रही हूँ आज क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ मैजिक रॉक. अभी आपने बोला कि मैजिक रॉक में वही मुझे बोलना था, सबसे पहले मुझे वही बोलना था कि शी टुक सो मच ऑफ एफर्ट फॉर मी टू गो टू द शॉप एंड इट वाज नॉट इजी फॉर हर. शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, शी डजंट हैव एनी पर्सनल कार और समथिंग लाइक दैट. वो अपनी को सिस्टर को लेके दोनों साथ में गए थे. And she has all the arrangements for the function also. It's on 22nd of this month. So that I forgot. I don't know how. Completely I forgot. Abhi aapne bola to mujhe laga ki Priya ma'am ka class to matlab mere liye blessing hai. Main kaise bhool gayi. So abhi 10 blessings ho chuke hain, but definitely another one I am going to write it for her in my counting method. Aise karke hi to blessings jaati hai na hamare life mein. Kabhi we always say na ki invisible realm se hamare liye kuch hota hai whenever we are stuck or something. So invisible realm se kuch hota hai, to wo invisible realm se hone wali cheeze yahi hoti hain. So there is someone who is writing out all those things from us, from our side. Wo hum log bachpan mein ya fir darane ke liye bolte the na, wo Chitragupta hai, wo likhta rehta hai. So it is actually us only, our universe, the universe within us. We all are one na. So hum log sare ke sare interconnected hai. Pallavi, main, hum log sare ek hi hai. To yahi cheeze hai. To we have to, yahi cheeze hai na Pallavi. Mera bhi thinking pehle aisa nahi tha. Ever since I'm into this journey, books ko acche se pad rahi hun, follow karne ki koshish karti hun to the core, tab aaya hai. To hum log sabhi, hamari abundance of opportunities hai hamare liye, puri dunya se. So we have to tap those powers, just ye. मतलब ऑलरेडी यू हैव अ थॉट, जो वो थॉट है तुम्हारा, जो वो डिजायर है इन द इनविजिबल रैम, यूनिवर्स ने वो कर दिया है, एक्चुअलाइज कर दिया है वो. लेकिन आपको बस उसको ग्रैब करके उस वहां से यहाँ पर लाना है, आपको अपने प्रेजेंट रियलिटी में लाना है उसको. तो वो उसके लिए फिर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है. बहुत ईजी है, कितना ईजी है ना, हर सवाल का जवाब ही ग्रेटिट्यूड. वो पिंकी वाली बात याद आती है, पिंकी इसके लिए थैंक यू तो बोलना है बस. सो दिस इज द थिंग. So thank you, Pallavi, for acknowledging this. It's lovely, actually. Thank you so much, ma'am. यही तो है, हमें छोटी-छोटी चीजों का पता चलता है practices से. दीप्ति मैम का तो क्लास ऐसे होता है कि जैसे सुनैना मैम ने उस दिन बोला था ना, the same thing was happening to me. अब मैं सोच रही हूँ हैंड रेस करूँ, रिएक्शन में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, and I got the answer. अब मैं सोच रही हूँ अच्छा ये पूछूँ, and I got the answer. So today, Saturday we do 108 weekly once we do in the center, my yoga center. But now I have started skipping the 108 in the morning. We do it in 5:30 to 6:30. So I'll first attend this class. Then after that, I'll do it personally for myself. So I can't miss it. That's important. Yeah. Yes. Neha, thank you so much, Pallavi. Neha, you wanted to say something? Neha Bhardwaj? Yes, ma'am. Actually, yesterday, मेरी बिल्डिंग की एक भाभी आई थी. शी वाज लाइक मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, ये वो बहुत बहुत. तो मैंने बोला जो पहले आप परेशानी क्यों बोल रहे हो, से इट लाइक चैलेंज एंड ये कुछ भी नहीं है. एंड वो बोल रही थी एक्चुअली शी वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीजेस एंड ऑल एंड वो उनको नींद भी नहीं आती है. और मेरे से बात करके एक घंटे बात करके एंड वो गई. मुझे बोलती है तुम ये दो मुझे, वो बताओ, तुम प्लीज हेल्प करना लोगों की, ये करना वो करना डाइटिशियन बनके. एंड मैंने बोला नहीं, मैं आपको अभी कुछ नहीं बोलूंगी, बस थोड़े थोड़े टिप्स दूंगी लाइफस्टाइल चेंजेस का एंड थोड़ा, और आप जाओ. एंड घर जाते ही मुझे मैसेज करती है, थैंक यू सो मच नेहा, मुझे तुमसे बात करके इतना रिलैक्स फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है जो मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, एकदम ऐसा लग रहा है. मैंने बोला अब आपको फील हुआ ना, तो एक्चुअली आपका फील हो मतलब खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो. तो ये था. और एक और चीज,
एनर्जी वैसी हो जाती है, एनर्जी हमारी ऐसी हो जाती है कि कोई भी आपसे बात करके इतना रिलीफ फील करता है ना कि हाँ भाई ही हैज गॉट हिज सॉल्यूशंस लाइफ, मतलब जो भी ये चैलेंजेस तो देखो आते रहेंगे, चैलेंज तो डे वन से शुरू हो जाता है। आजकल हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं, लेकिन वो जो कॉम्पिटिशन है ना वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही तो शुरू हो जाता है ना, वो जब हम लोग कम्पीट करके एक स्पर्म है इतने सारे स्पर्म्स में से एक जाके फर्टिलाइज होता है तो वो उसमें तो स्ट्रेंथ है तभी तो वो जाके फर्टिलाइज हुआ ना, वहां से ही हमारा कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है और वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला शुरू हो जाता है। जो भी फिट होगा, जो भी हमारी ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम लोगों को इतना इजी तरीके मिले हुए हैं ना, इस ये तुम चिराग का जिन जैसे मिला हुआ है, कुछ भी लाइफ में चैलेंज हो वो तो आएंगे ही, हर्डल्स लाइफ में आएंगे ही, उनको आने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं लेकिन हम लोग उनको बहुत ही इजी कर सकते हैं क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना लाइफ का टोटली। सो योर पर्सपेक्टिव हैज चेंज बिकॉज ऑफ डूइंग द प्रैक्टिसेस टू द कोर। हम लोग ये इसी चीज को फिर हम फैलाएंगे, इसी चीज को हम लोग स्प्रेड करेंगे, कोई भी आपसे बात करके उनको इतना रिलैक्स, इतना सोल्यूशन ओरिएंटेड लगोगे ना आप हमेशा, यू विल नॉट लुक टुवर्ड्स द चैलेंजेस, सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओ, और यही तो करना है और इसको करने का तरीका ही वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द ऑल टाइम आंसर फॉर ईच एंड एवरी, मतलब यूनिवर्सल आंसर ही ग्रैटिट्यूड है हर किसी प्रॉब्लम का, हर किसी चैलेंज का, बल्कि प्रॉब्लम वर्ड ही हमारे लाइफ से इरेडिकेट हो जाता है, चैलेंज है, चैलेंज लाइफ इज अ चैलेंज, रिस्क इट, लाइफ हमारी लाइफ का शुरुआत से ही तो चैलेंज है। अब आप लोग देखिए ना, मतलब वहीं से चैलेंज शुरू हो गया था ना कि जब हम लोग दो पैरों पे खड़े हुए, जब से ह्यूमन बींग हम खाली एक ही एनिमल है, हम लोग दो पैरों में आराम से खड़े होकर चलते हैं। आप डॉग्स को देखिए, वो अपने हाइंड लेग्स पे जब खड़ा होता है कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग शुरू में ऐसे नहीं थे, हम लोग वही जानवर थे जो चार पैरों पे चलते थे, तो वही दो पैरों पे चलने के लिए हम लोगों को इतने सारे चैलेंजेस को मीट करके, उनको फेस करके, उनको ओवरकम करके फिर तो हम लोग दो पैर पे चलना शुरू हुए ना। सो लाइफ इज दैट जर्नी, लाइफ इज दैट चैलेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड लुक टुवर्ड्स द सोल्यूशन फॉर इट, एंड सोल्यूशन इज ऑलवेज सो इजी एंड एफर्टलेस, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज द ओनली सोल्यूशन। हम लोग यहाँ वहां जाके हम लोग सीख करते हैं जो कि वो खाली सारे के सारे इस बुक में है, भी अगर हम लोग अपने आप पढ़ेंगे ना तो बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगी। हम लोग जब जिस तरह से मैम समझाती हैं, जिस तरह से हमारी ग्रुप रीडिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यूट्यूब में भी सुनोगे, वहां पर भी आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, आप एक एनर्जी फील करते हो जब आप यहाँ पर आते हो, जब लोगों के एक्सपीरियंस होते हो, बहुत वाइटल एनर्जी फील करते हो, वही एनर्जी जो है हमें मोटिवेट करती रहती है कि नहीं थकना नहीं है, उठना है, खड़े होना है, वी डो नॉट हैव टू गिव अप। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल अलाइव इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी, जैसे बोल रहे हैं हम लोगों को वैसे करना है। सो यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम लोग अभी कंक्लूड कर लेते हैं, 7:26 नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू दीप्ति मैम फॉर दिस ट्रस्ट अपॉन, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द लिसनर्स ऑफ द यूट्यूब ऑल्सो। तो थैंक यू मतलब इतनी अच्छी से आप कमेंट कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से हमारा शुक्रिया, आपको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू टू द ब्लेस्ड लिसनर्स, द ब्लेस्ड एंड द बेस्ट लिसनर्स ऑफ दिस होल यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ फिनोमिनल डे, बाय। ओह नेहा, यू वांटेड टू, यू वांट टू से समथिंग, नेहा चौधरी, हां नेहा बोलो। यस मैम, एक्चुअली बहुत ही मेरी शेयरिंग मेजर है फ्रॉम लास्ट नाइट मैम। एक्चुअली व्हेन आई गॉट योर मैसेज ऑफ बुक रीडिंग आफ्टर 10 मिनट्स समबडी नॉक्स डोर दैट देर इज सम फायर फायर अलार्म इज गोइंग गोइंग आउटसाइड इन अवर बिल्डिंग and we came to know that in the basement there is some I don't know some two wheelers CNG vehicles get blast and due to that ma'am our whole building was on fire almost from there are 10 to 11 wings in our society and we are living in B wing and the fire got in A wing and and we suddenly we started knocking doors of our neighbors and we running downstairs from stairs but ma'am jab hum third floor pe pahunche to fire smoke itna zyada tha ki we can't even breathe to niche bhi bilkul bhi jaya nahi ja raha tha तो मैम सडनली फिर सब बोल रहे थे कुछ मैं कि सारे ऑलमोस्ट मैम 8th फ्लोर तक सब नीचे जा चुके थे
और ऊपर भी 10th 11th 12th फ्लोर वाले भी सब नीचे पहले चले गए थे, माइट भी हम सो चुके थे तो हमें पहले पता नहीं लगा। पता नहीं चला। तो मैम जैसे ही हम उन्होंने बोला कि नीचे तो जाया नहीं जा रहा था, हम 3rd फ्लोर तक गए तो इतनी स्मोक की वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही थी नीचे जाने में। तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर चले जाओ, अगर नीचे बहुत ज्यादा ऊपर आ धुआं फैल रहा है तो आप नहीं जा पाओ। तो मैम हम सीधा 12th फ्लोर पे गए हैं, तो वहां पे बस मैम मैं रास्ते में ऐसे ग्रेटिट्यूड ही करती रही हूँ कि सब सेफ रहे, सब कि सब ठीक हो जाए। तो मैम हम 12th फ्लोर पर बैठे हैं तो आफ्टर 5-10 मिनट्स मकी इतना ज्यादा ऊपर स्मोक था फायर का कि हम नीचे मतलब कि आधा पौना घंटा ऊपर ही रहे, नीचे आया नहीं गया। तो बाद में फिर बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड वाले 2-3 उनके गाड़ी पर आई तो फिर फोन कर थोड़ी लिया। फायर कंट्रोल वगैरह में हुई। तो मैम मतलब कि हम फिर ऊपर काफी देर बाद मतलब कि अंदर भी पूरा ऐसे धुआं वगैरह हर जगह फ्लैट में भी हो गया था। तो मैम पता नहीं क्या मायरेकल्स जो भी मैजिक था कि कैसे हम कल सेफ हो गए। तो मैम ये सच में कि बहुत बड़ी ट्रेजिडी होने वाली थी, बट बहुत बड़ा। मैम बस और फिर यही है कि मैं आप उस उसके टाइम बाद पे भी पढ़ पा मैम रहे हो, इतने उससे बहुत बड़ी बात है। सच में मैम। और मतलब कि हम ऊपर आकर फिर अराउंड 3 o'clock मैं सोई हूँ रात में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह सेशन उठी के पाओगे लिए क्या? भी बुक रीडिंग कर पाऊंगी कि नहीं। बट मैंने बोला नहीं मुझे करनी है, ये फर्स्ट टाइम मैं रीड कर रही हूँ और मैं इतनी बड़ी शेयरिंग भी है तो मैं जरूर कल के सेशन में शेयर करना चाहती हूँ थैंक सबके यू साथ। सो मच फॉर गेटिंग अप इन द टाइम एंड ये। और वही है ना, जब फायर होता है ना, आपको फायर एलिमेंट, हम सभी का क्यू है ये कि फायर एलिमेंट को हम लोगों ने आज मैम यस पक्का से 21 ग्रेटिट्यूड्स लिखने ही लिखने हैं फायर मैम एलिमेंट के लिए, इवन क्योंकि उस टाइम पर भी मैंने यही ग्रेटिट्यूड में किया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर कीपिंग एवरीवन सेफ। और मैं फायर एलिमेंट को भी इतना ग्रेटिट्यूड किया उस टाइम पे भी, तो आई डोंट नो मैम कैसे कंट्रोल में वही वही मतलब कैसे, तो कि करना ही नहीं है ना। हमने तो यही देखना है ना कि सच हो में गया मैम हो गया, यूनिवर्स की वही वाली वो जो खाता है ना हमारा, जहाँ पे लिखा जा रहा था हमारे अच्छे कर्मों को, लिखा लिख रहे थे यस हम मैम इनविजिबल मैनेजर को, जो ये ग्रेटिट्यूड करके वो जो लिखवाते हैं ना डेली के डेली, यस वही यस काम आई है यहाँ पर नेहा। रियली तो इसी मैम तरीके से रियली काम मैम करना, जो ये फायर जब कोई होता है ना, तो फायर के कारण से ज्यादा जो चोकिंग के कारण से ज्यादा कैजुअलिटीज होती है ना। यस मैम तो वही वो चोकिंग, आपको ये वाला मतलब आपने क्या किया, आप ऊपर चले गए टेरेस के, वहां पर चले गया यस तो मैम वहां पर यू कुड ब्रीद इजीली। जब ये यस 9/11 जब हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कैजुअलिटी इसी कारण से हुई थी, चोकिंग के कारण हुई थी, क्योंकि यस वो मैम आग लग गई थी उसके कारण। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड वही बात है, हम सभी का लिए ये क्यू है कि यस वी हैव टू बी वेरी वेरी यू नो, वी हैव टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस टू द कोर। यस मैम जहां पर जैसे नेहा को उस टाइम पे हम लोग क्या करते, पहले तो पता नहीं था, हम लोग पहले ये भागा दौड़ी करते, ये करते वो करते। अब क्या किया तुमने, तुम ऊपर गई और वहां पर आराम से बैठी और अपना ग्रेटिट्यूड, जाते जाते भी पक्का ग्रेटिट्यूड किया होगा तुमने, यस थैंक यू मैम फुटस्टेप्स एंड लिखे हैं, सब इवन कुछ मैम किया यू है। डोंट बिलीव आई टुक माय मैजिक रॉक विद मी एंड एट दैट टाइम आई आई एम आल्सो गेटिंग गूज बम्स यू नो, यस एक्चुअली एक्चुअली दिस यस इज मैम अ वेरी वाइटल थिंग। यस थैंक यू मैम सो मच फॉर शेयरिंग दिस नेहा, इट्स वंडरफुल, कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। एंड रियली जो हमारे सामने जो मैम कहती है ना, हमेशा वी आर एनक्लोज इनकैप्सुलेटेड विद द ग्रेटिट्यूड पावर का जो वो लेयर होता है ना, उसमें हम लोग हमेशा, जैसे वही अब तुम वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हो तो तुमको वैसे करके बताते हैं नो मैम वो एक्चुअली आई एम प्लेसेंटा, अ जैसे हम लोगों पीएचडी को होल्डर इन एजुकेशन नॉट मेडिसिन, आई एम अ पीएचडी होल्डर इन कॉमर्स। क्योंकि कॉमर्स व्हाटएवर इट इज, हम लोग जब बेबी जब होता है वो प्लेसेंटा जिस तरह से हम लोगों को होल्ड करके रखता यस है ना मैम मम्मा का, वो पूरी तरह से कवर्ड रखता है, बिल्कुल ग्रैटिट्यूड जो है ना हम लोगों को इसी तरीके से हम यस लोगों को होल्ड करके रखता है हमेशा। तो हमारे साथ तो कभी, हमेशा मैम कहते हैं ना हमारे साथ एंजल्स चलते हैं, आगे साइड में पीछे हर जगह पे ऊपर नीचे एंजल्स चलते हैं, तो हम लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा हमें। चैलेंजेस आएंगी लेकिन हमारे पास उनको ओवरकम करने के टूल्स सारे के सारे हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड डू रीड ऑफन, थैंक यू सो यस मच, मैम आई थैंक यू सो मच थैंक एवरी वन, थैंक यू यू सो बेब, मच प्रिया मैम थैंक यू थैंक यू। प्रिया।
थैंक यू थैंक यू. हैव अ फिनोमिनल डे अहेड. एंड फायर के लिए हम लोगों ने लिखना है, फायर एलिमेंट के लिए, सन फायर एलिमेंट के लिए हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड लिखना है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. थैंक यू प्रिया. थैंक यू नीना फॉर द शेयरिंग. थैंक यू.